Good morning, students. How are you all? I hope my students are fine and fit. So, students, may I ask a question from you? जब छोटे थे तो ऐसी कौन सी चीज थी जिसका साउंड बहुत तेज था और वो स्काई में फ्लाई करती थी? सुना? एंड इसे ही सुन के हम अपने दोनों ईयर्स जोर से बंद कर लेते थे, रोने लगते थे, मम्मी से चिपक जाते थे. एनी गेसेस? यस, दैट्स एन एरोप्लेन. एन एरोप्लेन कभी हमें दिखता था तो कभी क्लाउड में छिप जाता था. अब तो आपको समझ में आ गया है ना? एंड आपने उसे देखा भी होगा. हाँ हाँ, जरूर देखा होगा, पता है. लेकिन कहाँ देखा है? कुछ ने उसे स्काई में उड़ते हुए देखा है, तो कुछ लोगों ने एयरपोर्ट पे, एंड कुछ ने उससे ट्रेवल भी किया होगा. पैसेंजर्स एरोप्लेन में बैठने से पहले अपनी अपनी टिकट्स चेक करवाते हैं. सो स्टूडेंट्स, टुडे वी लर्न अबाउट एयर ट्रांसपोर्ट. एंड यू नो व्हाट इज एयर ट्रांसपोर्ट? Vehicles that move in air are called air transport. Students, we will know about air transport after this rhyme time. So students, hear how the poem goes. Aeroplane flies up in the sky. In the air it goes zooming by. Two white wings slide by slide. In the clouds it can hide. Aeroplane travel very far, faster than a train, bus or car. Airport is the place where you will find one. Traveling by an aeroplane is so much fun. So much fun. So much fun. Aeroplane flies up in the sky. In the air it goes zooming by. So students, do you know what we have learned in this rhyme? Yes, about aeroplane. Do you want to fly in aeroplane? Yes or no? How many of you said yes? Very good. Because when we travel in aeroplane, तो हमें ऊपर से mountains दिखाई देते हैं, sea दिखाई देते हैं, बहुत ढेर सारे clouds भी दिखाई देते हैं. और पता है, aeroplane सबसे फास्ट चलने वाला व्हीकल है. सो स्टूडेंट्स, व्हीकल्स दैट मूव इन द एयर आर एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर एंड रॉकेट्स. पीपल यूज इट टू ट्रैवल टू डिफरेंट सिटीज और टू डिफरेंट कंट्रीज. स्टूडेंट्स, व्हेन वी ट्रैवल बाय ट्रेन इट टेक्स एटलीस्ट वन और टू डेज. बट अगर यही हम एरोप्लेन में ट्रैवल करेंगे, हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे बहुत इजीली एंड बहुत जल्दी जा सकते हैं. इसीलिए इसे फास्टेस्ट मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट कहा गया है. हेलीकॉप्टर कैरी पीपल एंड गुड्स. दे आर यूज्ड ड्यूरिंग डिजास्टर्स टू कैरी फूड एंड अदर एमिनिटीज मींस सर्विसेज. चिल्ड्रन, डू यू नो, हमारे आसपास जब भी कोई डिजास्टर मींस ट्रेजडीज होती हैं, जैसे फ्लड आना, अर्थक्वेक आना, इन सभी सिचुएशन में हेलीकॉप्टर की हेल्प से फूड एंड बाकी के जरूरी के सामान अवेलेबल कराए जाते हैं. बिकॉज ये एक ऐसा व्हीकल है जो बिना लैंड किए मूव कर सकता है. स्टूडेंट्स, तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि कैसे एक फ्लड के प्लेस पे फूड अवेलेबल कराया जा रहा है. क्या आपने कभी ऐसा सीन देखा है? इसमें सबसे ज्यादा हेल्प कौन से व्हीकल का हो रहा है? Yes, very good. Helicopter. Rockets are used to travel in space. Students, क्या हम एरोप्लेन को पुश करके उसे फ्लाई करा सकते हैं? नहीं ना. So now tell me कि अब इस एरोप्लेन को मूव करने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है, एंड कोई भी व्हीकल को मूव करने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है?
तो स्टूडेंट्स, अब एरोप्लेन को फ्लाई करने के लिए हमें किसी न किसी की तो जरूरत पड़ती ही होगी ना। सो स्टूडेंट्स, जैसे हम फूड से एनर्जी लेके वर्क करते हैं, उसी तरह से व्हीकल्स को भी एनर्जी फ्यूल से मिलती है। एंड वो फ्यूल्स होते हैं पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिसिटी, कोल एंड CNG। व्हीकल्स दैट रन ऑन फ्यूल्स गिव आउट स्मोक्स, दैट इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। देयरफॉर मेनी व्हीकल्स रन ऑन CNG टुडे, व्हिच इज अ क्लीन फ्यूल। यू नो स्टूडेंट्स, सम व्हीकल्स लाइक रिक्शा, साइकिल एंड बाइसाइकिल डू नॉट नीड एनी फ्यूल। साइकिलिंग इज अ गुड वे टू ट्रेवल शॉर्ट डिस्टेंस एंड इट इज गुड फॉर हेल्थ ऑल्सो। स्टूडेंट्स, डू यू लाइक साइकिलिंग? यू शुड कीप ऑन साइकिलिंग फॉर गुड हेल्थ। स्टूडेंट्स, लेट अस नो समथिंग न्यू। सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज दिस? यस, दिस इज अ स्कूल बस। एंड कैन यू टेल मी कि सारे बसेस के कलर्स येलो क्यों है? नो आइडिया? ओके, डोंट वरी, आई विल हेल्प यू। दिस इज बिकॉज येलो कैचेस आर अटेंशन, बिकॉज येलो हमारा अटेंशन खींचता है। दैट मीन्स अगर बहुत सारे कलर्स आपके सामने रख दिया जाए तो उसमें सबसे अट्रैक्टिव आपको येलो लगेगा। पीके मूवी देखी है ना, कैसे उसमें वो येलो कलर का हेलमेट पहन लेते हैं एंड देन उसका डायलॉग येलो कलर दूर से फोकस मारता है। और येलो इसलिए भी यूज किया जाता है बिकॉज ऐसा माना गया है कि ह्यूमन आई को येलो कलर सबसे ज्यादा दिखाई देता है एंड ह्यूमन आई येलो कलर को डिम लाइट मीन्स कम लाइट में भी देख सकती है। सो स्टूडेंट्स, अब समझ में आया कि हमारे स्कूल बसेस क्यों येलो कलर में पेंटेड होते हैं? सो स्टूडेंट्स, नाउ काउंट एंड टेल दैट व्हाट आर द थिंग्स दैट वी हैव लर्न्ड इन दिस मॉड्यूल। सो फर्स्टली वी हैव लर्न्ड अबाउट एयर ट्रांसपोर्ट एंड इन एयर ट्रांसपोर्ट वी हैव नोन अबाउट हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन एंड रॉकेट्स। एंड ऑन द अदर हैंड वी हैव नोन अबाउट स्कूल बस। And on the other hand, we have also known about why school buses are painted in yellow color. So, now it's time to practice some questions given from the content. So, question number 1 is, what is the color of school bus? Your options are red, yellow, blue or green. The correct option is yellow. Now, your next question is, ship carries dash and people. Options are goods, only mobile, only medicine or only people. The correct option is goods. Now, your next question is, which of these is the fastest mode of transport? Options are ship, aeroplane, train or car. The correct option is aeroplane. Now, your next question is, which vehicle is used to travel in space? Your options are yacht, helicopter, train or rocket. The correct option is rocket. So students, now it's time to do a fun activity with fun time. So students, can you see is picture mein kya ho raha hai? Yes, the children are flying aeroplanes made of paper. So today we will follow the steps shown on the screen and make paper aeroplanes. Aap sabhi ise fly karke dekhiyega, कितना मजा आता है। That's it for today kids. I hope you have enjoyed this lesson very much. So, till then, enjoy flying aeroplanes. Keep watching your EVS videos. Thanks for watching. See you in next video. Bye bye.